हेलो एवरीवन, आज हम BLIE 227 मार्क 21 कैटलॉगिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने आर का कैटलॉगिंग कार्ड बनाना सीखा था, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो देखा था। ये वीडियो हमारी पार्ट टू है जिसमें हम फॉर्मेट देखने वाले हैं मार्क 21 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्क 21 की फुल फॉर्म क्या होती है। मार्क 21 की फुल फॉर्म होती है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फॉर 21st सेंचुरी। अब हम देखेंगे कि मार्क 21 का फॉर्मेट क्या होता है। आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉलम आता है वो टेक्स्ट का कॉलम आता है, देन उसके बाद कंटेंट का आता है जिसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देन आता है हमारा इंडिकेटर का कॉलम, देन सब फील्ड, देन डाटा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होता है। ओके फाइन, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपको सारे टैग्स और उसके कंटेंट के नेम, इंडिकेटर, सब फील्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लाइनेस बनी होगी। जैसे हमारे कैटलॉगिंग आर्क में हमने देखा था कि हमारा कार्ड पहले से बना हुआ होता है, बट इसमें हमें खुद बनाना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टैग आता है वो आता है 020, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ISBN नंबर। इसका इंडिकेटर होता है डबल डैश, दो बार हाइफन का निशान लगाएंगे, देन डॉलर ए इसका सफील्ड होता है। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा ISBN नंबर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टैग आता है 082, जिसमें हम लिखते हैं DDC नंबर, जिसका हमारा इंडिकेटर होता है 00 और इसका सब फील्ड होता है डॉलर ए। हमारा देखो कॉल नंबर हमें गिवन होता है, कॉल नंबर हमारा क्लास नंबर और हमारा किसे बुक नंबर से मिलकर बना होता है, तो सिर्फ जो हमारा क्लास नंबर होता है उसको ही लिखना होता है DDC नंबर में। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट सब समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टैग होता है 100, ठीक है, उसमें हम लिखते हैं जो हमारा कंटेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, मेन एंट्री, देन हमारा मेन एंट्री पर्सनल नेम का होता है, इंडिकेटर क्या है इसका 1-1 और हाइफन लग जाएगा। ठीक है, और इसका सब फील्ड है डॉलर ए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन एंट्री, जिस ऑथर के नेम की आपने ऑथर थी, ऑथर का नाम लिखते थे हम। ठीक है, सेकेंड इंटेंशन से आपने आर्क की वीडियो देखी होगी, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, उस ऑथर का नेम को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, हमारा टैग आता है 245, जिसमें हम टाइटल लिखते हैं, देन हमारा जो इंडिकेटर होता है वो डबल हाइफन होता है, देन सब फील्ड में हम डॉलर ए लिखते हैं। ठीक है, अब आपको ऑथर का, जैसे आप कैटलॉगिंग कार्ड में आपने एंट्रीज करी होगी तो वहां पे जो टाइटल होता है उस टाइटल को हमें यहाँ लिखना होता है। ठीक है, जो बुक का टाइटल लिखा होता है। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 250, ठीक है, जिसमें हमें एडिशन लिखना होता है कि हमारी वो बुक कौन से एडिशन की है। आपको दो बार हाइफन का निशान लगाना है, देन डॉलर ए लिखना है। आप लोगों को कहीं कहीं बुक्स में एंड टीचर्स ने बताया होगा कि कहीं कहीं वहां पे हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप वहां पे हैशटैग भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड या तो आप हाइफन का निशान भी लगा सकते हो, तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो, गलत नहीं है दोनों। ठीक है, हमारा टैग आता है 260, जिसमें हम कंटेंट में लिखते हैं पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्रा, जिसमें हमारा इंडिकेटर होता है डबल हाइफन, देन हमारा जो सब फील्ड होता है डॉलर ए। डॉलर ए में हम हमेशा प्लेस लिखते हैं, डॉलर बी में पब्लिशर लिखा जाता है और डॉलर सी में ईयर लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 300, जिसमें हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, हमारा इंडिकेटर क्या है, डबल हाइफन का निशान और जो सब फील्ड है डॉलर ए। डॉलर ए में हम पेज नंबर लिखते हैं और डॉलर सी में हम साइज लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टैग आता है 650 में सब्जेक्ट एडिट एंट्री करी जाती है, जिसका इंडिकेटर है हाइफन वाई। ठीक है, स्मॉल वाई लिखना है आपको एंड आपका जो सब फील्ड होगा वो डॉलर ए होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा टैग आता है 700 एडिट एंट्री पर्सनल नेम, जो पर्सनल नेम की जो एडिट एंट्री होती है उसके लिए करते हैं। इसका जो इंडिकेटर होता है वो 1-1 होता है और सब फील्ड हमारा डॉलर ए होता है। लास्ट हमारा आता है 900 एक्सेशन नंबर,
इसका जो इंडिकेटर होता है वो डबल डैश होता है एंड डॉलर एस का सब फील्ड होता है और वो आप उसमें से लिख दोगे। मैंने आपको बताया था कैटलॉगिंग कार्ड में फर्स्ट वीडियो में पार्ट में बताया था कि कैटलॉगिंग कार्ड में लास्ट के चार लाइन छोड़ के आपको लिखना होता है एक्सेसरी नंबर, तो वो वाला एक्सेसरी नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप सो आपको मार्क 21 कैटलॉगिंग अच्छे से समझ में आ गया है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड पार्ट थ्री में हम देखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उसके मेन एंट्री कैसे होती है, किस तरीके से आर्क और मार्क की एंट्रीज करी जाती है सिंगल ऑथर से, वो देखने वाले। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।